हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में बहुत ही सिंपल तरह से कॉल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो की पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट ज़रूर देखना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत सिंपल सिंपल स्टेप है जो आपको देखनी है, फॉलो करनी है। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग करने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन के डायलर में जाएंगे। डायलर में जाने के बाद में यहाँ से आपको थ्री डॉट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, कॉलर आई डी एंड स्पैम, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको श्री कॉलर एंड स्पैम आई डी को ऑन करेंगे तो आपको यहाँ पर ट्रू कॉलर की जगह पर काम करता है। तो यहाँ से बैक होंगे। बैक होने के बाद में यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है ब्लॉक एंड नंबर का, आपको यहाँ पर ब्लॉक एंड नंबर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको अनोन का ऑप्शन देखने को मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपके फ़ोन में जितने भी अनोन नंबर होते हैं वो सारे यहाँ पे ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलता है ऐड ए नंबर का, ऐड ए नंबर पर क्लिक करना है। यहाँ से अगर आप अपने फ़ोन में कोई भी पर्सनल नंबर ब्लॉक करना चाहते हो तो आपको नंबर डायल करके यहाँ से ब्लॉक कर सकते हो, और अगर आप अपने फ़ोन में कॉल ब्लॉक को ऑफ करना चाहते हो तो आप उसको यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं इस तरह से। तो यहाँ से बैक होंगे। बैक होने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है कॉलिंग अकाउंट का, कॉलिंग अकाउंट पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको सिम वन भी क्लिक करना है। यहाँ से आप अपने फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग पर क्लिक करके कॉल फॉरवर्ड ऑन कॉल फॉरवर्ड ऑफ कर सकते हैं। एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करके आप अपने फ़ोन में कॉल वेटिंग ऑन भी कर सकते हैं। तो यहाँ से बैक होएंगे। बैक होने के बाद में यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉल रिकॉर्डिंग का, कॉल रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है नंबर नॉट इन योर कॉन्टैक्ट, आप इसे ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद में आपको ऑलवेज रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। यहाँ से आपके फ़ोन में जितने भी अनोन नंबर होते हैं वो सारे यहाँ पर रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद में आपको सेकंड ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाता है सिलेक्टेड नंबर्स का, सिलेक्टेड नंबर्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आप इसे ऑन करके अगर कॉन्टैक्ट का कोई भी नंबर रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो चूज़ अ कॉन्टैक्ट पे क्लिक करके कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिस्प्ले ऑप्शन का, डिस्प्ले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है स्टोर बाय नेम फॉर्मेट, यहाँ से आप अपने कॉन्टैक्ट का कोई भी फर्स्ट नेम या लास्ट नेम शो करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है साउंड एंड वर्जन का, साउंड एंड वर्जन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके फ़ोन के सारे साउंड यहाँ देखने को मिल जाते हैं जो आप बहुत ही सिंपल तरह से यूज़ कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वॉइस मेल का, वॉइस मेल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको अगर अपने किसी भी फ्रेंड से बात नहीं करनी है तो आप उसको यहाँ पे वॉइस मेल छोड़ सकते हो। उसके बाद में यहाँ से आपको बैक होएंगे। बैक होने के बाद में आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है यहाँ पे फ्लिप टू साइलेंस का, फ्लिप टू साइलेंस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको फ्लिप टू साइलेंस इस तरह से ऑन करना है। तो देखिए फ्रेंड, बहुत ही सिंपल है, इसी के अकॉर्डिंग आप अपने फ़ोन में कॉल सेटिंग कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।